तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है ऑस्मोटिक प्रेशर, हेडिंग डालना ऑस्मोटिक प्रेशर, और उसमें सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे ऑस्मोसिस क्या होता है। तो फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है अपनी ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। अच्छा, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, तो केमिस्ट्री में ऑस्मोटिक प्रेशर को हम रिप्रेजेंट करते हैं पाई के सिंबल से। ठीक है, अब ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने से पहले हमें एक वर्ड है इसमें जो कि पता होना जरूरी है, वो है हमारा ऑस्मोसिस। यानी सबसे पहले हम समझेंगे कि ऑस्मोसिस होता क्या है और किस किस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो इसको समझने के लिए मैं एक सिंपल सा डायग्राम यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ कि मैंने एक क्लोज कंटेनर लिया है और इस क्लोज कंटेनर में मैंने क्या किया हुआ है, मूवेबल पिस्टन लगाया हुआ है और बीच में एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी लगा रखी है। थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, ये मेरे पास एक, ये डायग्राम भी आप लोग चाहो तो ड्रॉ कर लो। ये मेरे पास एक क्लोज कंटेनर है, इस क्लोज कंटेनर के बिल्कुल मिडिल में मैंने यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दी। इसके लेफ्ट हैंड साइड में मैंने सॉल्वेंट पार्टिकल्स को फिल किया है और इसके राइट हैंड साइड में मैंने सॉल्यूशन को फिल किया है। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सॉल्यूशन वाली साइड पे जो ये ओपनिंग है वहाँ पे मैंने मूवेबल पिस्टन लगा दिया है और सॉल्यूट वाली, सॉल्वेंट वाली साइड को मैंने क्लोज कर दिया। ठीक है, अब होता क्या, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है, सबसे पहले तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन क्या होती है। हाँ भाई, कोई बताना चाहे सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन से क्या मीनिंग है अपना। अरिंजन, नहीं, ठीक है, तो लिखो सेमी सिर्फ सॉल्वेंट का ट्रांसफर के लिए हेल्प करता है, सॉल्वेंट के मतलब ट्रांसफर के जिसकी, लिए हेल्प करता है। हाँ, इतना हाँ, जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो उसकी। तो इसको आप नेक्स्ट, इसमें पहले ऑस्मोसिस में फर्स्ट हेडिंग लिखो सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन, पहले अपन ये समझते हैं फिर ऑस्मोसिस की डेफिनेशन भी लिखेंगे। ठीक है, तो लिखो द मेम्ब्रेन विच अलाउ, द मेम्ब्रेन विच अलाउ द मेम्ब्रेन विच अलाउ सेलेक्टिव मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, सेलेक्टिव मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, मतलब हर कोई पार्टिकल पास नहीं हो सकता उससे, सेलेक्टिव मूवमेंट लिखने का मीनिंग यही है, पार्टिकल्स अक्रॉस देम। ठीक है, वो हमारी क्या कहलाती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहलाती है। तो जनरली ये सेलेक्टिव मूवमेंट कौन से पार्टिकल्स का होता है ना, तो जो आइडियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है वो ओनली कौन से पार्टिकल्स को पास होने देती है, तो जो लिख लेना आइडियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो होती है अलाउ द पैसेज ऑफ, अलाउ द पैसेज ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ओनली। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है, सॉल्यूट को क्यों पास नहीं होने देती सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ओनली। तो जनरली क्या होता है कि जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होता है उसके पार्टिकल का साइज बड़ा होता है और जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पार्टिकल्स का साइज छोटा होता है। मतलब अगर अपन जो मेम्ब्रेन है उसमें जो होल्स होते हैं उसके टर्म्स में बात करें, ठीक है, तो इस होल से जो छोटे पार्टिकल्स है यानी जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स है वो तो क्या कर जाते हैं, मूव कर जाते हैं, लेकिन जो बड़े पार्टिकल्स है वो मूव नहीं कर सकते, इसलिए ये क्या करती है, सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स का मूवमेंट अलाउ करती है, सॉल्यूट पार्टिकल का मूवमेंट अलाउ नहीं करती। लेकिन अगर आपका वोलेटाइल सॉल्यूट है तो वोलेटाइल सॉल्यूट में क्या होगा, जो पार्टिकल है वो गैसीयस स्टेट में प्रेजेंट है और एक एक सिंगल सिंगल सब्सटेंस एलिमेंटल फॉर्म में होंगे, तो उस केस में आपका जो वोलेटाइल सॉल्यूट है वो भी पास हो सकता है। बट अपने सिलेबस में हम क्या पढ़ेंगे, हम सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का पैसेज पढ़ेंगे। यानी वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या है, वो मेम्ब्रेन जो कि सिर्फ किसका पैसेज अलाउ कर रही है अपने थ्रू, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का अलाउ कर रही है, क्योंकि उनके पार्टिकल का साइज छोटा है, सॉल्यूट का पार्टिकल्स का साइज क्या है, बड़ा है, तो हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ये मान के चलते हैं।
ठीक है। तो ये था आपका सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब बात आती है ऑस्मोसिस क्या है। तो ये आप सभी ने देखा होगा या समझा भी होगा कि अगर अपन यहीं पे आते हैं वापस इसी एग्जांपल पे आते हैं, तो इसमें अगर मैं आपसे पूछूं सॉल्वेंट, मैंने प्योर वाटर माना, मैंने सॉल्वेंट यहाँ पे क्या मान लिया, प्योर वाटर है ना, और लेट्स से मैंने जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन बनाने के लिए इसमें क्या किया हुआ है, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट लेट्स से ग्लूकोज डाल दिया, तो मेरा सॉल्यूशन बन जाएगा। तो ग्लूकोज मेरा नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट किसमें प्रेजेंट है, वाटर में। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि वाटर की कंसंट्रेशन किसमें ज्यादा है, सॉल्वेंट में ज्यादा है या सॉल्यूशन में ज्यादा है, तो समर्थ क्या आंसर होगा, किसमें वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, या अगर सिंपली सॉल्वेंट में, सॉल्वेंट में है ना मोल फ्रैक्शन, क्योंकि प्योर वाटर है वहां तो पूरा का पूरा वाटर ही आ गया, जबकि यहाँ पे कुछ अमाउंट में सॉल्यूट भी आ गया। तो जो मोल फ्रैक्शन है जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एक्स से, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर सॉल्वेंट में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जबकि अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूंगा तो सॉल्यूशन में जो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर है वो क्या हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा, क्योंकि कुछ जो मोल फ्रैक्शन है वो किसका डिफाइन हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्यूट का भी डिफाइन हो जाएगा। तो सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन आने के कारण कंसंट्रेशन क्या हो गई, वाटर की सॉल्यूशन में डिक्रीज हो गई। अब किसी भी चीज का फ्लो जनरली उसकी हायर से लोअर वैल्यू की तरफ होता है। तो हमें पता है कि ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या करती है, सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल्स का मूवमेंट अलाउ करती है। तो जो वाटर मॉलिक्यूल है उनकी कंसंट्रेशन सॉल्वेंट में ज्यादा है, तो अपनी हायर कंसंट्रेशन से ये वाटर मॉलिक्यूल अपनी लोअर कंसंट्रेशन की तरफ थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या करते हैं, मूव करते हैं, और यही मूवमेंट हमारा क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस कहलाता है। ठीक है, तो ऑस्मोसिस क्या है, क्या लिखेंगे इसमें, तो इट इज द स्पॉन्टेनियस फ्लो, लिखना इसके 3-4 पॉइंट्स में मैं अलग अलग डेफिनेशन लिखाऊंगा, क्योंकि इसके ऊपर क्या स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वो लैंग्वेज पे आपका डिपेंड करता है, इसलिए इसकी लैंग्वेज सारी क्लियर होनी चाहिए। तो लिखो पॉइंट नंबर 1, ऑस्मोसिस क्या है, इट इज द स्पॉन्टेनियस फ्लो। कैसा फ्लो है, स्पॉन्टेनियस यानी किसी एक्सटर्नल फोर्स की इसमें जरूरत नहीं पड़ रही है, अपने आप हो रहा है, स्पॉन्टेनियस फ्लो। ठीक है, किसका, ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, इट इज द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, किसके थ्रू, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। ठीक है, थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका ऑस्मोसिस कहलाएगा, यानी ऑस्मोसिस क्या है, इट इज द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये इसकी फर्स्ट डेफिनेशन हो गई। यहां तक आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, सिंपल सी चीज है ऑस्मोसिस। अब इसको और अलग से किस किस वे में हम डिफाइन कर सकते हैं ये समझना बहुत जरूरी है, तो इसका सेकंड डेफिनेशन लिखो। ठीक है, इट इज द, क्या लिखा था आपने, इट इज द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अच्छा, कहां से कहां होगा, फ्रॉम सॉल्वेंट टू, from higher concentration, हाँ, तो higher concentration क्या है, उसको ज़्यादा अच्छे से अपने यहाँ लिख लेते हैं, from solvent to कौन सी side, solution side, ऐसा लिख सकता हूँ, है ना, हाँ, तो अपनी second definition हो जाएगी higher concentration and lower concentration वाली, तो it is the spontaneous flow of solvent molecule from solvent to solution side through semi-permeable membrane। अभी सेकेंड डेफिनेशन हम और क्या बोल सकते हैं, तो लिखो सेकेंड डेफिनेशन, इट इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, इट इज द स्पॉन्टेनियस, अब समझ में आ रहा है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड है कि स्पॉन्टेनियस ही होगा। ठीक है, तो इट इज द मूवमेंट ऑफ, इट इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल from its higher concentration। अब ये its का मतलब क्या है, यहाँ पर किसकी concentration की बात हो रही है, solvent की ही concentration की बात हो रही है, from its higher concentration to lower concentration। ठीक है, ये भी आपका क्या होता है, osmosis होता है,
यानी सॉल्वेंट के हायर कंसेंट्रेशन से उसकी लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल क्या कहलाता है? ऑस्मोसिस कहलाता है। और इसको हम कैसे डिफाइन करें, है ना? यहां तक नोट हो गया है सभी का? अब मैं देखो इसमें थोड़ा सा आपको चेंज कर रहा हूँ, तो वो चेंज भी आप समझ लेना कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ और उससे आपको थोड़ा सा क्लियरिटी आ जाए। मैंने यहाँ पे दोनों तरफ ही सॉल्यूशन ले लिया, ये सॉल्यूशन टू हो गया और ये भी मेरा क्या है, मैं क्या ले रहा हूँ, उसको भी सॉल्यूशन ले रहा हूँ सॉल्वेंट की। अब दोनों सॉल्यूशन में डिफरेंस क्या है? इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है C1 और इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है C2। और मैंने ये अजम्पशन मान लिया है कि C1 ग्रेटर देन C2, यानी किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है? सॉल्यूशन 1 की कंसंट्रेशन ज्यादा है सॉल्यूशन 2 से। तो पृथ्वीराज, मेरा एक क्वेश्चन है कि सॉल्यूशन 1 या सॉल्यूशन 2 किसमें वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी? फटाफट से माइक ऑन करके आंसर दो। सॉल्यूशन 1 या सॉल्यूशन 2 वाटर की कंसंट्रेशन किसमें ज्यादा होगी? सॉल्यूशन 1 में। अरिंजय, अपना क्या आंसर है? कंसंट्रेशन ऑफ वाटर किसमें ज्यादा होगी? सॉल्यूशन 2। किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट की? सॉल्वेंट की। तो C1 सॉल्यूशन 1 में ज्यादा होगी? नहीं, सैली ने करेक्ट आंसर दिया है। देखो थोड़ा सा आप यहाँ पे ये पॉइंट समझना, कंसंट्रेशन क्या होता है? कंसंट्रेशन होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यही होता है ना, इन लीटर। तो मैं बोल रहा हूँ कंसंट्रेशन ज्यादा है किसी की, इसका मतलब उसमें किसकी क्वांटिटी ज्यादा है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट ज्यादा है। अगर मोल्स ऑफ सॉल्यूट ज्यादा हो गया, इट मीन्स जो मोल फ्रैक्शन आएगा सॉल्यूट का वो क्या हो जाएगा, वो ज्यादा हो जाएगा। अगर सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन ज्यादा हो गया मतलब सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन क्या हो गया पृथ्वीराज? कम हो गया। तो अगर किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, मतलब अगर आपको ऐसा लिखा है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या है, हायर है, हायर साइड पे है, इट मींस व्हाट? उसमें सॉल्यूट ज्यादा है, ठीक है, और सॉल्वेंट कम है। ये मीनिंग समझ में आया? तो इसको अगर मैं ध्यान से रखूं दोबारा से, पृथ्वीराज सेम क्वेश्चन आपसे दोबारा रिपीट कर रहा हूं, तो C1 और C2 किसमें वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, क्योंकि वाटर यहां सॉल्वेंट है? C2 में, यानी कंसंट्रेशन ऑफ वाटर अब किसमें ज्यादा है? इज मोर इन C2, ठीक है। तो अब किधर से किधर मूवमेंट होगा, किधर से किधर मूवमेंट होगा? हाँ भाई, C2 से C1 होगा, यानी सॉल्यूशन की लेस कंसंट्रेशन से सॉल्यूशन की हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होगा। ये डेफिनेशन समझ में आई? तो देखो क्या लिखोगे आप इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन, डेफिनेशन नंबर 3, इट इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल from lower concentrated solution। देखो C2 क्या है, lower concentration है ना, मैंने ऐसा assumption माना था, from lower concentrated solution, अगर solution की बात कर रहा है तो from lower concentrated solution to higher concentrated solution। क्या ये definition clear हुई? हाँ समर्थ, हाँ हो गए, यहाँ तक नोट कर लो। हाँ भाई, इसकी एक और डेफिनेशन अब क्या है, अब मैं थोड़ा सा और इसमें चेंजेस कर रहा हूँ। क्या चेंज कर रहा हूँ? देखो मैंने यहाँ पर क्या लिया, वापस से मैंने यहाँ सॉल्वेंट भर लिया, तो ये मेरे पास सॉल्वेंट है और यहाँ सॉल्यूशन है, और ये मैं SPM वाला पार्ट हटा रहा हूँ। यहाँ पे अपन इसकी फोर्थ क्या करेंगे, डेफिनेशन नोट करेंगे ताकि हमें क्लियरिटी आए वो फोर्थ डेफिनेशन क्या बोल रही है।
अच्छा वेपर प्रेशर समझ में आता है, किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, सॉल्वेंट का ज्यादा होता है या सॉल्यूशन का ज्यादा होता है? सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है ना। तो लेट से मैंने यहाँ पे सॉल्वेंट ले लिया, इसका वेपर प्रेशर मान लिया पी नोट और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हो गया पी। तो अगर मुझे वेपर प्रेशर के टर्म्स में लिखना हो तो मैं क्या बोलूंगा, हायर वेपर प्रेशर से लोअर वेपर प्रेशर की तरफ मूवमेंट होगा या लोअर वेपर प्रेशर से हायर वेपर प्रेशर की तरफ मूवमेंट होगा? सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा यानी पी नोट ग्रेटर देन हायर टू लोअर वेपर प्रेशर। वेरी गुड, तो ये इसकी फोर्थ डेफिनेशन हो गई, लिख लेना क्या है। ऑस्मोसिस इट इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल from higher vapor pressure to lower vapor pressure. इसमें किसी को कोई डाउट? लोअर वेपर प्रेशर थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। हर डेफिनेशन में ये लास्ट वर्ड लिखना मत भूलना, यानी किसके थ्रू मूवमेंट हो रहा है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। ठीक है, जैसे कि ये है, इसमें भी आप लिखोगे थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन थर्ड डेफिनेशन में। तो फोर्थ डेफिनेशन क्लियर है भाई, है ना? आपको पता है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की क्या होती है, कंसंट्रेशन भी सॉल्वेंट की ज्यादा है तो उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, तो हायर वेपर प्रेशर से जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है वो लोअर वेपर प्रेशर की तरफ क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। यही मूवमेंट क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस कहलाता है। तो ये चार डेफिनेशन है, इसमें से किसी भी फॉर्म में वो आपसे जब क्वेश्चन पूछेगा, इसमें बोलते हैं ना थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आते हैं, तो वो पूछ सकता है। तो ये चारों डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। अब देखो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, तो मैं ये हटा रहा हूँ, है ना? और अब अपन ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन पे आते हैं। अपन को ये तो पता है कि जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है वो क्या कर रहे हैं, वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू मूवमेंट कर रहे हैं, है ना? किधर से? सॉल्वेंट साइड से सॉल्यूशन साइड की तरफ। अब यही प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है, ये ऑस्मोसिस कहलाती है। तो इस ऑस्मोसिस को रोकने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं चाहता हूं कि ये मूवमेंट ना हो, मैं इस मूवमेंट को रोकूं, यानी जो इधर से इधर वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट हो रहा है इसको मैं रोकना चाहता हूं, तो क्या करूंगा मैं, मुझे अपोजिट डायरेक्शन में क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना? या अगर अपन केमिस्ट्री के टर्म्स में बात करें तो प्रेशर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में जैसे जैसे आप यहाँ पे प्रेशर लगाते जाओगे या फोर्स बढ़ाते जाओगे, प्रेशर बढ़ा रहे हो या फोर्स बढ़ा रहे हो, तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है इस पॉइंट पे, तो इससे क्या होगा, धीरे 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 इधर से मूवमेंट कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। प्रेशर की एक वैल्यू ऐसी आएगी, प्रेशर की उस वैल्यू पे ये मूवमेंट पूरा का पूरा रुक जाएगा, क्योंकि अपोजिट साइड से क्या लग रहा है, उतना ही प्रेशर लग रहा है, जिसकी वजह से, जिस प्रेशर डिफरेंस की वजह से ये मूवमेंट हो रहा था, या जिस ग्रेडियंट की वजह से ये डिफरेंस मूवमेंट हो रहा था, कंसंट्रेटेड ग्रेडियंट। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जिसकी वजह से मूवमेंट हो रहा था वो मूवमेंट रुक जाएगा, तो प्रेशर की वो वैल्यू जो कि मैंने किसकी साइड पे लगाई है, सॉल्यूशन की साइड पे लगाई है, वही मेरा ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाएगा। तो लिख लो डेफिनेशन वन, इट इज द प्रेशर अप्लाइड, इट इज द प्रेशर अप्लाइड टू द सॉल्यूशन साइड टू स्टॉप ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस रोकने के लिए आप जो भी सॉल्यूशन साइड पे क्या करोगे, प्रेशर अप्लाई करोगे, वही आपका क्या कहलाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाएगा। इट इज द प्रेशर अप्लाई टू द सॉल्यूशन साइड टू स्टॉप ऑस्मोसिस। इसको और कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मैं क्या करूं, मैं सॉल्यूशन साइड पे प्रेशर ना लगाऊं, अब इसकी जगह फिर क्या करूं, मुझे रोकना है लेकिन फ्लो, तो मैं क्या करूं, मैंने इधर भी मूवेबल पिस्टन लगा दिया और उसको अपवर्ड डायरेक्शन में लिफ्ट कर रहा हूं, यानी उल्टी डायरेक्शन में प्रेशर लगा रहा हूं, कौन से डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ। तो ये क्या हो गया, ये नेगेटिव प्रेशर हो गया, जो कि कौन सी साइड पे लगा, सॉल्वेंट साइड पे। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे जब आप प्रेशर इधर की तरफ खींचोगे तो पार्टिकल्स का फ्लो क्या होगा, धीरे धीरे कम होगा, कम होते 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 एक प्रेशर की ऐसी वैल्यू आएगी
जो कि नेगेटिव डायरेक्शन में आपने लगाया कि इसका ऑस्मोसिस रुक जाएगा। तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो इसको हम दूसरे वे में डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द नेगेटिव प्रेशर। अब देखो नेगेटिव क्यों लिखा है, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में आप खींच रहे हो उसे, तो सॉल्वेंट पे लगा नहीं है, आपने उल्टा सॉल्वेंट से विड्रॉ किया है। तो इट इज द नेगेटिव प्रेशर अप्लाइड टू द सॉल्वेंट साइड टू स्टॉप ऑस्मोसिस, ठीक है, टू स्टॉप ऑस्मोसिस। ये भी आपका क्या हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर ही हो गया ना। इस तरह से भी आप क्या कर सकते हो, ऑस्मोटिक प्रेशर को डिफाइन कर सकते हो। तो ये भी आपका ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया। और बोलो भाई, और कोई डेफिनेशन जो आपको लग रहा हो, ठीक है। तो ये अपनी दो तो डेफिनेशन हो गई ऑस्मोटिक प्रेशर की, नोट कर लेना यहाँ तक। तो देखो अब एक्सपेरिमेंटली जब चेक किया गया तो ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है किस किस के प्रोपोर्शनल है, तो एक्सपेरिमेंटली है ना, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है पाई वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निकल के आया, इक्वेशन नंबर वन। आपको पता है जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो मूवमेंट बढ़ेगा यानी ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा। इसके अलावा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निकल के आया कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब ऐसा क्यों आया ये आप लॉजिकली देख सकते हो, इक्वेशन टू बोल देता हूँ इसे मैं, कि यहाँ पे जो सॉल्यूशन भरा हुआ है उसकी कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी उसका मतलब वाटर मॉलिक्यूल उसमें उतना कम है तो उतना ज्यादा कंसंट्रेशन डिफरेंस आएगा, जितना ज्यादा कंसंट्रेशन डिफरेंस आएगा उतना ज्यादा मूवमेंट होगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया। अब दोनों को जब आप कंबाइंड करोगे तो आप क्या बोल सकते हो, पाई इज प्रोपोर्शनल टू सी एन टी। आपको पता है जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हो तो एक कॉन्स्टेंट आता है, यहाँ पर उस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। तो हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर का क्या फॉर्मूला निकल के आया, तो हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला निकल के आया पाई इक्वल टू सी आर टी, जहाँ पर सी आपकी क्या है, कंसंट्रेशन। बाय डिफॉल्ट आप कौन सी यूनिट में यहाँ पे कंसंट्रेशन रखोगे, या मोलरिटी रखोगे, ठीक है। टेम्परेचर कौन सी यूनिट में रखते हैं, तो ये तो आपको क्लियर है, ये आप केल्विन में रखोगे टेम्परेचर को। आर आपका क्या है, आर आपका गैस कांस्टेंट है, लेकिन अब इसको यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, तो यहाँ पर हम इसको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, जिसकी वैल्यू आपको पता ही है। ये अपने पीवी इक्वल टू एनआरटी इक्वेशन में पढ़ा है, नहीं पता है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ यूनिट ऑफ आर, आप लोग नोट कर लेना। फर्स्ट यूनिट है जब आपका प्रेशर किस में आता है, एटीएम में, और वॉल्यूम आप किस में पुट करते हो, लीटर में। तो उस केस में हम आर की जो वैल्यू यूज करते हैं वो यूज करते हैं 0.0821, यूनिट होती है इसकी एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन। सेकंड है अगर आप प्रेशर लेते हो पास्कल में, यानी सारी की सारी चीजें आप ऐसा ही यूनिट में रख लो, प्रेशर किस में, पास्कल में, पास्कल ऐसा यूनिट है प्रेशर की, और वॉल्यूम आप रख रहे हो मीटर क्यूब में, ठीक है। तो हम R की जो वैल्यू यूज करते हैं वो यूज करते हैं 8.314 यूनिट आ जाएगी जूल पर मोल पर केल्विन। और अगर आपको कैलोरी में यूज करना है, ठीक है, तो उस केस में हम R की जो वैल्यू यूज करते हैं, R इक्वल टू होता है 1.98 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, जिसको आप अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल मान सकते हो, 2 के इक्वल मान सकते हो। तो इनमें से कोई सी भी यूनिट में आप आर रख सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपका प्रेशर निकल के आएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया पाई इक्वल टू सी आर टी, नोट कर लो यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो कुछ टर्म्स डिफाइन होती है, और ये जो इक्वेशन आई ना हमारे पास कौन सी, पाई इक्वल टू सी आर टी, ठीक है, ये हमारा कौन सा लॉ कहलाता है, इसे हम बोलते हैं वांट हाफ लॉस। ये नाम लिख लेना अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए, वांट हाफ, यानी ये जो वांट हाफ लॉ है ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निकल के आता है, कंसंट्रेशन के, और किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निकल के आता है, टेम्परेचर, ठीक है। लॉ का नाम लिख लेना, यानी जो पाई इक्वल टू सी आर टी इस इक्वेशन को वांट हाफ इक्वेशन बोल सकते हैं। तो
ये हमारी इक्वेशन क्या कहलाएगी, ये हमारी वांट ऑफ इक्वेशन कहलाएगी इन टर्म्स ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। Thank you.